ईशा आखिरकार सभी को भोसले इंस्टीट्यूट भेजने में कामयाब हो ही गई। ईशा चाहती थी कि सभी जिसका सपना है भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, उसका ये सपना पूरा हो जाए। इसके लिए उसने खुद जो है कई सालों बाद अपने पति को फोन किया और इस बात की रिक्वेस्ट भी की। यहाँ सभी पहुंची तो लेट है, लेकिन भगवान ने आखिर उसकी सुन ली और यहाँ पर उसकी मुलाकात ईशान से हो जाती है। लेकिन ईशान का सबसे बड़ा सवाल उससे यही है कि आखिर वो उसको क्यों दे एडमिशन, ऐसा क्या है कि उसे एडमिशन देना चाहिए। वो अपने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो सामने रख देती है ईशान के, लेकिन इसके बावजूद ईशान नहीं मानता। ईशान को लगता है कि बिल्कुल भी एडमिशन जो है डिज़र्व नहीं करती सभी, क्योंकि अब डेट जा चुकी है। पर सभी जिस हालत में आई है उसे देखकर वो पहले थोड़ा सरप्राइज तो होता है कि आखिरकार शादी के जोड़े में सभी यहाँ क्यों आई। वो उससे ये जानने की कोशिश करता है लेकिन वो पूछ नहीं पाता। पर जो भाव उसके चेहरे पर है उसे देखकर सभी समझ जाती है कि क्या चल रहा है ईशान के मन में। वो उसे बताती है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है और कैसे वो अपनी शादी तोड़कर भाग कर आई है। ईशान को लगता है कि सभी भी रीवा की तरह धोखेबाज हैं, वो भी शायद किसी का दिल तोड़ कर आई है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जब सभी पूरी सच्चाई बताती है तब पता चलता है ईशान को कि सभी के साथ वाकई में ज़िंदगी में बुरा हुआ है। वो उसे एडमिशन देने के लिए तैयार तो हो जाता है लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त उसके सामने रखता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा कि तुम ये एडमिशन डिज़र्व क्यों करती हो। और वो कहता है कि बहुत जल्दी हमारा एक कॉम्पिटिशन आने वाला है और अगर उस कॉम्पिटिशन में तुम ये प्रूव कर देती हो कि तुम बेस्ट हो और ट्रॉफी जीत कर लाती हो तो हम तुम्हें ये एडमिशन दे सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि अब एडमिशन देने के लिए भले ही तैयार हो गया हो लेकिन उसने रख दी है बहुत बड़ी शर्त, यानी एक और इम्तहान देना होगा, एक और बार उसे प्रूव करना होगा खुद को, तभी वो भोसले में एडमिशन पा सकेगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।